अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद कर साहब भी दोस्त खैर खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज कुछ मेहमान आए हुए हैं हमारे पास मुजरामवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी इंटरव्यू करेंगे। और ये आप देखें, 5 बकरे लिए हैं अपनी कुर्बानी के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देखें बिल्कुल मुनासिब रेट के अंदर बकरे दिए हैं। अगर जिस दोस्त ने हमारे फार्म का विज़िट करना है, लोकेशन डेरा गाजी खान की, आप हमारे फार्म पर विज़िट कर सकते हैं कीलकोट फार्म पर। और बिल्कुल ही मुनासिब रेट के अंदर बकरे मिलेंगे आपको। भाई से उनकी ज़बानी सुनते हैं कि किन किस तरह आपको जानवर मिले और जायज़ रेट पर मिले कि नहीं मिले। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम, क्या हाल है सर? ठीक हो तो भैया, ठीक है। क्या नाम है सर जी आपका? मेरा नाम है जी करीमुल्ला, गुजरांवाला कैंट से मैं आया हूँ जी। ठीक, तो राजनपुर की मंडी में भी गया हूँ, कश्मोर भी गया हूँ, लेकिन बड़ा इस दफ़ा रेट हाई था जी। तो फिर मुझे किसी भाई ने कहा कि अकील बोर्ड फार्म है डेरा गाजी खान, वहाँ विजिट करें, आपको अच्छे बकरे मिलेंगे। ठीक, तो मैं यहाँ आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ 40,000 का फ़ायदा हुआ है। ठीक हो गया, 5 बकरे आपने लिए? मैंने 4 लेने थे, वो मुझे 4 की कीमत में 5 मिले यहाँ से। ठीक हो गया, पर मैं बड़ा मुतमिन होकर जा रहा हूँ। मैं जाऊँगा वापस और अपने दोस्तों से भी कहूँगा कि अकील बोर्ड फार्म पर रब्ता करें जी। अगर आप इतनी दूर से हैं, कोई रास्ते में मसला मसायल तो नहीं हुआ ना? बेहतरीन मोटरवे से आए हैं, ये थोड़ा सा ये घंटे का सफ़र है, ये भी कारपेट रोड है जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा मुतमईन होकर जा रहा हूँ जी। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम फिर यहाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैंने इनसे बुक करा दी है कि भाई अगली साल के लिए मैं अभी ले लूँ, तो वो भी मुझे अवेलेबल है। इन्होंने कहा कि लें आप जी। मैं इंशाल्लाह ये ईद के फौरन बाद दोबारा चक्कर लगाऊंगा जी। सर जी, बात तो सिर्फ एतमाद की, एतमाद बंदा करे एक दूसरे पे, फिर ये हिसाब ये बनता है। दोस्त मेरे आप देख रहे हैं जी, आपके सामने बकरे भी आपने काफ़ी आपको मैंने दिखाए हैं। यही बकरे मुझे बाहर 50 या 60 हज़ार के मिल रहे थे जी। तो जो मुझे यहाँ इन भाई ने बड़ी मुनासिब कीमत में दी हैं, और वो जो मेरे पैसे बचे उनसे मैंने एक और बकरा खरीदा जी। ठीक हो गया, क्योंकि आपके सामने मैंने आपको बकरे कितने दिखाए हैं जी? जी बिल्कुल, हज़ारों की तादाद में बकरे ठहरे हैं। तादाद में और बड़ा मुनासिब जी। ये 50-55 बकरे में से तकरीबन 2 पीस निकाले हैं, दूसरी ये 60 बकरों की लाट थी, उनमें से भी 3 बकरे निकाले हैं भाई ने अपनी मर्जी से, और चुन के बकरे निकाले हैं। और इनकी खूबसूरती देखें और चीज़ें आप चेक करें और हमारे फार्म पे विज़िट करें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो यहीं रिक्वेस्ट है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें, और इंशाल्लाह क्योंकि आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिले। अगर आपको आप बकरे नहीं रखना चाहते, आपको शौक़ नहीं है, अपने दोस्तों को बात ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि किसी दोस्त को फ़ायदा हो जाए, किसी मुसलमान भाई को वो सदका जा रही है। और अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या तुम्हारा नाम क्या है सर? मोहम्मद अशरफ। आप भी गुजरात वाले से हैं ना? बकरे आपको कैसे लगे हैं जो आपने खरीदे हैं अभी? बहुत अच्छे लगे हैं, ज़बरदस्त रकम फिर यहाँ से मुनासब रेट में मिले हैं जी। ठीक अलहमदिल्ला, हाँ ठीक हो गया। ऐसे भी ये आप देखें और चीज़ें आप चेक करें। मेरा रबता नंबर आप लिख सकते हैं 0346-47-13-178। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फार्म पर तशरीफ़ लाएँ आप, और जिस रेट में आपको चीज़ें चाहिए आपको मिल जाएंगी इंशाल्लाह। हमारे बिल्कुल मुनासिब और जायज़ रेट में इंशाल्लाह। ये देखें जी, अभी जावा लोड करते गाड़ी भी, भाई अपनी गाड़ी बहे हुए थे, ये गाड़ी ठहरी।